नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब विद पीडी में। दोस्तों, आज की अपनी आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के लिए आर्ट एंड कल्चर यानी कला एंड साइंस करते की क्लास नंबर 4 रहेगी। इससे पहले हम 3 क्लासेज पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेज अभी तक नहीं ली तो उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने चैनल पे आरपीएससी सेकेंड ग्रेड जीके ऑनलाइन क्लासेज के नाम से प्लेलिस्ट भी बना दिया, तो आप वहां से भी रेगुलर क्लासेज ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या जो प्रीवियस ईयर पेपर है सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर का, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स या आपको प्लेलिस्ट में ये वीडियोज मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आपसे लाइक और शेयर है वो जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रणथंभौर दुर्ग के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना यही होता है कि रणथंभौर दुर्ग कहाँ पे स्थित है, तो ये हो जाएगा सवाई माधोपुर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, तो रणथंभौर दुर्ग पूछा जाए कहाँ पे है, तो सवाई माधोपुर के अंदर है। ठीक है, अब हम बात करें इसके निर्माण की, तो इसके निर्माण के लिए दो मान्यताएं हैं। एक तो है कि इसका निर्माण है वो 8वीं सदी में रंती देव द्वारा करवाया गया। इसके अलावा एक मान्यता है कि इसका जो निर्माण है वो 9वीं सदी में चौहान शासक रणथान ने करवाया था। ठीक है, अगर आपको ये ऑप्शन में दिया जाए तो आपको रंतिदेव करना है, अगर रंतिदेव नहीं है तो रणथान करना है। अगर रंतिदेव और रणथान दोनों अगर आपको ऑप्शन में दिया जाए तो आपका सही आंसर हो जाएगा रणथान। ठीक है, यानी कि जो रणथंभौर का दुर्ग स्वयं माध्यमपुर में स्थित है, इसके निर्माण की दो मान्यता है। पहली है कि 8वीं शताब्दी में रंतिदेव ने करवाया, दूसरी है कि 9वीं शताब्दी में चौहान शासक रणथान ने करवाया था। अगर आपको दोनों ऑप्शन में मिले तो आपको रणथान करना है, बाकी अगर ये मिले तो ये कर देना, और रणथान मिले तो आपको रणथान करना है। अब हम बात करें इसके प्रवेश द्वार की, तो इसके प्रवेश द्वार हो जाएगा नौलखा, या नौलखा को हम बोलते हैं नौलखा दरवाजा। ये क्वेश्चन आपका आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2014 के अंदर पूछा गया था कि रणथंभौर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है या मुख्य द्वार है उसका नाम क्या है, तो ये हो जाएगा नौलखा दरवाजा या नौलखा दरवाजा। अब नौलखा के नाम से कई और भी महत्वपूर्ण है, जैसे नौलखा दुर्ग कहाँ पे है, झालावाड़ हो गया। ठीक है, नौलखा बावड़ी कहाँ पे होगी, डूंगरपुर में होगी। नौलखा बुरुज कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। नौलखा महल उदयपुर हो गया। नौलखा मंदिर कहाँ पे है, पाली के अंदर है। अगर दरवाजा पूछा जाए तो नौलखा कहाँ पे हो जाएगा, रणथंभौर स्वयं माध्यमपुर में हो जाएगा। अगर दुर्ग पूछा जाए नौलखा, तो झालावाड़ हो गया। नौलखा बावड़ी पूछा जाए तो डूंगरपुर हो गया। नौलखा बुरुज पूछा जाए तो ये चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। अगर नौलखा महल पूछा जाए तो इसका सही आंसर उदयपुर रहेगा, और नौलखा मंदिर पूछा जाए तो इसका सही आंसर पाली रहेगा। दोस्तों, इस क्लास की जो आपको पीडीएफ है ना, वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का भी नाम है जॉब विथ पीडी, तो आप टेलीग्राम पे जाके जॉब विथ पीडी सर्च कर लेना, वहां से आपको ये पीडीएफ है वो पूरी की पूरी इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। अब हम बात करें इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है, तो इसी दुर्ग यानी रणथंभौर दुर्ग के अंदर 32 खंभों की छतरी है वो स्थित है। आपसे सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 32 खंभों की छतरी कहाँ पे स्थित है, या किस दुर्ग में है, या किस जिले में है, तो 32 खंभों की छतरी रणथंभौर दुर्ग में हो जाएगी। ठीक है, जिला पूछा जाए तो स्वयं माधोपुर के अंदर है। बात करें इस छतरी का निर्माण, तो निर्माण है वो चौहान शासक हमीरदेव ने करवाया था। किस लिए करवाया था, अपने पिता जयतरसे या जय सिम्बा के 32 वर्ष के शासनकाल के याद में इसका निर्माण करवाया गया। किसका, 32 खंभों की छतरी का। तो 32 खंभों की छतरी कहाँ पे हो जाएगी, रणथंभौर दुर्ग यानी स्वयं माधोपुर में। निर्माण किसने करवाया, हमीरदेव चौहान शासक हमीरदेव ने करवाया, अपने पिता के 32 वर्ष के शासनकाल के याद में इसका निर्माण है वो करवाया गया था। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो होता है दुर्ग के नाम। ठीक है, तो रणथंभौर दुर्ग के उपनाम कौन कौन से है, पहला हो जाएगा दुर्गाधिराज भी इसको बोला जाता है, फिर है चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई, हमीर की आन बान का प्रतीक। ये तीन नाम है, ये आपको ध्यान में रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, आपसे बोला जाए कि दुर्गाधिराज किसका नाम है, किसका, किस दुर्ग का उपनाम है, तो हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग जो कि कहाँ पे स्थित है, स्वयं माध्यमपुर में। अगर पूछा जाए कि चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई किसे कहा जाता है, तो रणथंभौर को कहा जाता है जो कि स्वयं माध्यमपुर में हो गया। हमीरदेव की आन बान का प्रतीक कौन सा दुर्ग है, तो भी कौन सा हो जाएगा, रणथंभौर दुर्ग हो जाएगा। अब दोस्तों, हम बात करें कि दुर्ग कहाँ पे स्थित है, तो रणथंभौर दुर्ग है वो 7 पहाड़ियों से घिरे हुए थंब पहाड़ी के ऊपर स्थित है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है, किस पहाड़ी पे है, थंब पहाड़ी पे है। अगर कोई दुर्ग पहाड़ी पे स्थित होता है तो कौन सी श्रेणी का दुर्ग हो जाएगा, गिरी श्रेणी का हो जाएगा। ठीक है, जैसे चित्तौड़गढ़ भी था आपका,
अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम या जेई नीट जैसे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आप लोगों को किसी तरह का डाउट आता है तो मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में एक अमेजिंग एप्लीकेशन लेकर के आया हूँ जिसका नाम है फिलो एप्लीकेशन। यहाँ की सबसे स्पेशल बात है कि यहाँ पे 24/7 एक्सपर्ट टीचर अवेलेबल रहते हैं। आपको कुछ नहीं, 3 इजी स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले प्ले स्टोर से जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है या नीचे दी गई लीड लिंक से आपको इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरे स्टेप में आपको सिंपली अपना नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। तीसरे स्टेप में आपको क्वेश्चन की फोटो खींचना है, यहाँ पर टाइप करना है। जैसे ही आप अपना क्वेश्चन पूछेंगे विद इन 60 सेकंड यहाँ एक्सपर्ट टीचर आकर के आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे, वो भी वीडियो कॉल पे, जिससे कि आपकी पूरी कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी और जितने भी आपके सारे डाउट्स हैं वो सारे जो टीचर है एक्सपर्ट टीचर वो क्लियर कर देंगे और आपका सारा डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो गाइस देरी किस बात की है, देखिए कितना बढ़िया एप्लीकेशन मैंने आपको सजेस्ट किया है। अगर आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है तो नीचे दी गई लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इस ऐप पर किसी तरह का कोई डिस्काउंट चाहिए, आपको इसके पेड कोर्स खरीदना है, तो यहाँ पर मैं अपना रेफरल कोड दे रहा हूँ। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको 10% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो फटाफट से फिलो ऐप को जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि रणथंभौर का प्राचीन नाम क्या है, तो रणथंभौर का प्राचीन नाम हो जाएगा रणतैपुर। रणतैपुर का क्या अर्थ होता है, तो रणतैपुर का अर्थ होता है रण की घाटी। तो रणथंभौर का प्राचीन नाम क्या हो गया, रणतैपुर। इसका अर्थ क्या है, तो रणतैपुर का अर्थ होता है रण की घाटी। इस दुर्ग के अंदर गुप्त गंगा भी बहती है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कौन सा दुर्ग है जिसके अंदर गुप्त गंगा भी बहती है, हो जाएगा आपका रणथंभौर का दुर्ग जो कि स्वयं माधोपुर के अंदर स्थित है। इसके बाद में इस दुर्ग के बारे में कुछ प्रमुख कथन है, तो उन कथन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला कथन है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये किसने कहा था, तो ये कहा था जलालुद्दीन खिलजी ने। क्या कहा था, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। किसने कहा, जलालुद्दीन ने कहा। किस दुर्ग के बारे में कहा था, तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था। आगे हम बात करें, एक और महत्वपूर्ण कथन है कि यह दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग क्या है, नंगे हैं। तो ये कथन किसने कहा था, तो ये कहा था अबुल फजल ने। ये कथन है वो कब की कांस्टेबल भर्ती 2012 के अंदर यह कथन है वो पूछा भी जा चुका है। तो ये कथन किसके बारे में हो जाएगा, रणथंभौर दुर्ग के बारे में हो जाएगा। तो कथन क्या है कि यह दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग क्या है, नंगे हैं। ठीक है, तो यह कथन कहा था अबुल फजल ने। तीसरा कथन है कि आज कुफर का घर इस्लाम हो गया। ये किसने कहा था, तो ये कहा था अमीर खुसरो ने। अमीर की पराजय के बाद में यह कथन कहा गया था कि आज कुफर का घर है वो इस्लाम हो गया। किसने कहा है, अमीर खुसरो ने कहा। तो ये 3 कथन है। पहला कथन है जलालुद्दीन खिलजी का कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर में नहीं समझता। फिर है अबुल फजल का, यह दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं। फिर तीसरा कथन है कि आज कुफर का घर इस्लाम हो गया, ये कथन किसका हो गया, अमीर खुसरो का हो गया। ये 3 कथन किस दुर्ग के बारे में कहे गए हैं, तो तीनों के तीनों दुर्ग आपके रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहे गए हैं। ठीक है, इसके बाद में इस दुर्ग के बारे में एक और प्रचलित जो दो है वो भी आपको याद में रखना है। ठीक है, तो ये क्या है कि सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार। ठीक है, तो ये अमीर के बारे में और रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया है। क्या है कि सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार। तो ये भी आपको इसके बारे में एक दो है जो कि याद रखना है। इसके बाद में दोस्तों इस दुर्ग के अंदर 2 महत्वपूर्ण उपकरण है। पहला का नाम है अराधा, ठीक है, दूसरा कौन सा है, मगरनी। सबसे पहले हम अराधा की बात करें तो ये क्या है कि रणथंभौर दुर्ग में स्थित एक उपकरण है जिससे दुर्ग के बाहर दुश्मन की सेना पे पत्थर बरसाए जाते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि अराधा और मगरनी क्या है, तो दोस्तों रणथंभौर दुर्ग के 2 उपकरण है जो कि अब इसके रणथंभौर दुर्ग की रक्षा करते हैं। कैसे करते हैं, तो इसके अंदर तो क्या डाले जाते हैं, पत्थर डाले जाते हैं। इसके अंदर पत्थर डाल के बाहर है किले के बाहर फेंका जाता है। जैसे कोई किले के ऊपर आक्रमण करना आता है, जैसे किले के पास दुश्मन की सेना आएगी तो इससे क्या फेंके जाएंगे, पत्थर है वो दुश्मन की सेना पे बरसाए जाएंगे। फिर है मगरनी, तो इससे क्या होता है कि ज्वलनशील पदार्थ है ना, जो कपड़े है ना, उनको जला के, जैसे आपने बाहुबली में देखा होगा, तो कपड़े जला के दुश्मन की सेना के ऊपर डाले जाते हैं। किससे, ये मगरनी से डाले जाते हैं। तो ये दोनों उपकरण है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट बात है कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ पे अधूरी छतरी है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा राजस्थान का ऐसा दुर्ग है जहाँ पे अधूरी छतरी है, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, आपका रणथंभौर का दुर्ग हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि 32 स्तंभों की छतरी किस दुर्ग में स्थित है, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, रणथंभौर स्वयं माधोपुर।
अब हम बात कर रहे हैं रणथंभौर दुर्ग के प्रमुख मंदिरों की। तो प्रमुख मंदिर में है शाकंभरी माता का मंदिर। तो ये कौन है? रणथंभौर चौहान की कुल देवी हो जाएगा। कौन सी माता? शाकंभरी माता। ठीक है, इसके बाद में आता है रणत भंवर या त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यही याद रखना है कि राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर किस दुर्ग के अंदर स्थित है, तो ये रणथंभौर दुर्ग के अंदर हो जाएगा। इसके अलावा पूछा जाए कि रणत भंवर या त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ पे है, तो ये भी रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है। तो इससे जो मंदिर के अंदर प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्दशी यानी गणेश जी के जन्मदिवस पर यहाँ पे एक मेले का आयोजन भी किया जाता है। ठीक है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर हो गया त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जो कि रणथंभौर में स्थित है। और यहाँ पे मेला कब लगता है? गणेश जी के जन्मदिवस पर यानी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को यहाँ पे एक बड़े मेले का भी आयोजन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे शिव मंदिर भी है। ठीक है, और पीर शत्रुद्दीन की दरगाह भी यहाँ पे इस दुर्ग के अंदर स्थित है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं रणथंभौर दुर्ग के प्रमुख महलों की। तो सबसे पहले इसमें प्रमुख महल है वो है सुपारी महल। क्यों ये महल है वो प्रमुख हो जाएगा? क्योंकि ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है ना रणथंभौर, इसके अंदर एकमात्र ऐसा महल है जिसके अंदर मंदिर मस्जिद और गिरजाघर तीनों के तीनों स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है कि एकमात्र ऐसा कौन सा महल है जिसके अंदर मंदिर भी है मस्जिद भी है गिरजाघर है, तो आंसर हो जाएगा सुपारी महल। और दुर्ग पूछा जाए तो कौन सा है, तो वो रणथंभौर दुर्ग हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करें हमीर महल की, तो नाम से स्पष्ट हो जाएगा कि हमीर का ये निवास स्थान है। फिर जोरा बोरा, ठीक है, जो यहाँ के जो सैनिक थे उनके जो रसद सामग्री थी वो यहाँ पे रखी जाती थी जोरा बोरा महल में। जोगी महल नाम से स्पष्ट है, जोगी के रहनियों की क्या हो जाएगी, जगह हो जाएगी, यानी जोगी महल हो गया। फिर है हमीर कचहरी, रणथंभौर दुर्ग का न्यायालय यानी यहाँ पे बैठ के हमीर है वो न्याय किया करता था, ये तो हमीर कचहरी हो गया, या इसको हम रणथंभौर दुर्ग का न्यायालय भी बोल सकते हैं। तो ये इसके महल हो गए। इंपॉर्टेंट कौन सा है? सुपारी महल है, क्योंकि यहाँ पे मंदिर और मस्जिद गिरजाघर स्थित है। एकमात्र ये दुर्ग हो गया आपका रणथंभौर, और एकमात्र महल हो गया सुपारी, जहाँ पे ये तीनों के तीनों एक साथ स्थित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस दुर्ग के यानी रणथंभौर दुर्ग के प्रमुख जलाशय। तो जलाशय में कौन कौन सा है? पद्मला तालाब हो गया, रानी हाणा तालाब हो गया, और सपना बावड़ी हो गई। तो तीन ही है आपको याद रखना है। कौन सा है? पद्मला तालाब हो गया, रानी हाड़ा तालाब और सपना बावड़ी। तो ये रणथंभौर दुर्ग के क्या हो जाएंगे? प्रमुख जलाशय हो जाएंगे। इस दुर्ग के अंदर एक शाखा भी हुआ है। तो ये शाखा क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये राजस्थान इतिहास का पहला शाखा है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि राजस्थान इतिहास का पहला शाखा है। इंपॉर्टेंट आप कर लेना, आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान इतिहास का पहला शाखा कहाँ पे हुआ? रणथंभौर दुर्ग के अंदर हुआ। कब हुआ? डेट पूछी जाए तो डेट हो जाएगा 11 जुलाई 1301 ईस्वी को हुआ था। रणथंभौर दुर्ग का पहला शाखा कब हुआ था? तो 11 जुलाई 1301 को हुआ था। किस दुर्ग केंद्र हुआ था? तो रणथंभौर दुर्ग केंद्र हुआ था। ठीक है, उस समय शासक कौन था यानी केसरिया किसने किया था? तो हमीर देव ने किया था। जोहर किसने किया? तो हमीर देव की रानी रंग देवी ने किया था। अग्नि जोहर किया या जल जोहर किया? तो इन्होंने जल जोहर किया था, यानी जो आपका पद्मला तालाब है वहीं पर उन्होंने क्या किया था? जल जोहर किया था। आक्रमणकारी कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी इस समय यहाँ पे आक्रमण करता है। ठीक है, तो शाखा कब हुआ था? 11 जुलाई 1301 को हुआ था। केसरिया अमीर ने किया, जोहर रंग देवी ने किया, और आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। यह राजस्थान इतिहास का पहला शाखा है। कब हुआ था? 11 जुलाई 1301 ईस्वी को यह शाखा हुआ था। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट रह जाता है इस दुर्ग के बारे में कि रणथंभौर दुर्ग की कुंजी है वो कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा जैन दुर्ग है और रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। तो इसी के साथ दोस्तों ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में जो भी अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो समाप्त तो होती हैं। तो इस प्रकार हमने आज ये रणथंभौर दुर्ग कम्प्लीट पढ़ लिया कि इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था, कब इसका निर्माण हुआ था। इसके बाद में इसे प्रमुख शाखा पढ़ लिया हमने, जलाशय पढ़ लिया, महल हो गया जैसे सुपारी महल हो गया, ठीक है, फिर मंदिर हो गया शाकंभरी माता का, इस रिलेटेड और भी फैक्ट नया मैं जैसे इसका जो उपनाम क्या हो गया दुर्गाधिराज हो गया,
हम्बीर की आन बान शान का प्रतीक हो गया, ठीक है। तो ये भी इसके बारे में हमने कंप्लीट डिटेल से पढ़ लिया। होपफुली आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। दोस्तों बार बार रिक्वेस्ट कर देता हूँ, आप लाइक है वो नहीं करते जितनी भी आ रही है उसी के अकॉर्डिंग, तो आप लाइक और शेयर एक बार इसको जरूर कर देना। क्लास कैसी लगी कमेंट करके भी जरूर बता देना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो बिट पीडी। जय हिंद, जय भारत।